नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पास कर लिया है, और जिनका 2-3 नंबर या कुछ नंबर से कट चुका है वो निराश ना हो, आगे मेहनत करें। 1,30,000 वैकेंसी आ गई है, आपका उसमें आराम से हो जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने सीबीटी 2 एग्ज़ाम पास कर गया है और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वो अपना प्रेफरेंस डाले हैं या असिस्टेंट लोको पायलट वो बनेंगे, तो उनको एक एग्ज़ाम देना है साइको का। तो साइको से बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, डरते हैं कि साइको में क्या होगा। तो साइको क्या है, कोई वैसा एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, इसको पहले आपको समझना है। साइको का एग्ज़ाम सिर्फ आपका ब्रेन का टेस्ट लेने के लिए होता है कि आपका जो ब्रेन है वो डरता नहीं ना है, हड़बड़ा नहीं ना जाता है कोई सिचुएशन में, हॉपलेस नहीं ना हो जाता है, आप अकबकाते हो कि नहीं अकबकाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इसके लिए साइको का एग्ज़ाम लिया जाता है। और रेलवे का कुछ एक इंटरनल मैटर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा छोटा भाई रेलवे ड्राइवर है, 2014 का वैकेंसी में उसका हुआ है और वो भी साइको का तैयारी किया हुआ था। तो मेरा खुद का छोटा भाई ड्राइवर भी है, प्लस और भी मैंने बहुत सारा ड्राइवर से मिला हूँ, उन लोग का रेलवे का क्या कंसेप्ट रहता है साइको में वो मैं आज बता दे रहा हूँ। सबसे पहला बात, आपको जो साइको में है वो 5 टाइप का एग्ज़ाम होंगे, एक ही दिन में 5 टाइप का एग्ज़ाम होंगे। एक होगा मेमोरी टेस्ट, दूसरा होगा फॉलो डायरेक्शन, तीसरा ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट आपका होगा, मतलब मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट का मतलब आपका स्मृति जो है, याददाश्त शक्ति कितना है। इसमें आपको कुछ फिगर दिखाया जाता है, 2 मिनट के लिए फिगर दिखाया जाएगा और उसमें 12 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 मिनट के बाद वो फिगर को हटा दिया जाएगा और बताया जाएगा कौन फिगर कहाँ है। तो ये पूरा डिटेल मैं बताऊँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोग को इतना चीज़ बता दे रहा हूँ जो रेलवे का मेन कंसेप्ट है साइको का, कौन साइको फैल कर जाते हैं, अच्छा एग्ज़ाम जाने के बाद भी फेल कर जाते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा। आपको साइको में 5 टाइप का टेस्ट होंगे और 5ों में पास करना अनिवार्य है। ये नहीं कि आप 4 में बहुत अच्छा नंबर ला दिए और 5वां में फेल करेंगे, वैसा नहीं है। अब पास करने के लिए आपको 42% लानी रहती है, मतलब ये 5ों में 42% आपको लानी है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको एक रेलवे का मेन कंसेप्ट दे रहा हूँ, कहाँ पर स्टूडेंट लोग को मिस्टेक हो जाती है, कहाँ पर वो छटा जाते हैं साइको में, उनको समझ भी नहीं आता कि साइको में हम फेल कैसे किए। तो इसका एक सबसे बड़ा मैं रेलवे का कंसेप्ट दे दे रहा हूँ इंटरनल, क्योंकि मेरा छोटा भाई रेलवे में ही है तो पूरा मुझे इसके बारे में जानकारी है। रेलवे जो है साइको में एक गलती को एक एक्सीडेंट के नज़र से देखती है, इसका मतलब आपको इसमें गलती नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलती होगा तो आपको नहीं हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना, जैसे कोई बच्चा है, जैसे इसमें एक एग्ज़ाम होगा उसमें ये परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण में आपको एक क्वेश्चन आएगा फाइंड 6, उसमें सिर्फ आपको खोजना रहेगा 6, लेकिन 5 मिनट में कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 मिनट में 90 क्वेश्चन, सिर्फ क्या खोजना है 6, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कितना है 5 मिनट में 90। तो 5 मिनट में 90 आपको जो बनाइएगा तो आप स्पीड अच्छा ले जाइएगा, तो उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत भी हो जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि रेलवे जो है किस तरह से साइको में कोई बच्चा फेल कर जाते हैं, कोई बच्चा पास कर जाते हैं। देखिएगा, कोई बच्चा जो है 5 मिनट में जो 90 क्वेश्चन बनाना था स्पीड में, तो वो 5 मिनट में 80 क्वेश्चन बनाया एक बच्चा, और एक बच्चा जो है 70 क्वेश्चन बनाया। 80 में एक जो लड़का है उसका सपोज कीजिए कि उसका 70 नंबर आया, 10 उसका, 5 उसका क्या हो गया, गलत हो गया, 80 में कितना आया उसका 70, मतलब 70 उसका सही हुआ, 70 उसका सही हुआ। और एक जो उसका दोस्त था उस 70 बनाया था और उसमें जो है उसका 2 गलत हुआ और लाया कितना नंबर, 68, इसका 70 नंबर आया,
इसका 68 नंबर आया। तो आप बताइए 70 नंबर वाला ज़्यादा है, यानी नौकरी आराम से किसको होना चाहिए? 70 नंबर वाला को। 68 वाला को दिक्कत होना चाहिए, मतलब पहले 70 को होना चाहिए फिर 68 को? तो नहीं, सिलेक्शन पहले किसका होगा? ये 80 मीन का कितना गलत था? 10 गलत था। और 70 मीन का कितना गलत था? 2 गलत था। भले ही इनका नंबर कम आए, लेकिन रिजल्ट किन का होगा? 68 वाला का होगा। मतलब नंबर से मतलब नहीं है, आप गलत कम करते हो तो आपका रिजल्ट आराम से होता है। मतलब रेलवे जो है एक मिस्टेक को एक एक्सीडेंट मानकर चलती है, तो आपको कोशिश करना है कम से कम गलती करें, कम से कम मिस्टेक करें। हम ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश नहीं कीजिए। 42% पास मार्क है, आप 50% 60% भी कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिएगा नहीं हमको 90% करना है, हमको 80% करना है, इसी में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं जो हूँ कोशिश करूँगा कि अपने चैनल पर साइको का भी आपको तैयारी कराऊँ, और जो 130,000 का वैकेंसी आ रही है उसका तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराऊँगा, क्योंकि रेलवे में एग्ज़ाम देने के लिए, रेलवे में रिजल्ट निकालने के लिए पहले जनरल स्टडी अच्छा जिनका होता था उनका नौकरी होता था, और अब जिनका जनरल साइंस अच्छा है उनका नौकरी होगा। और मैं मेनली जनरल साइंस का ही टीचर हूँ, तो आपको जो है मैं जनरल साइंस का अपने चैनल पे बहुत अच्छा तैयारी कराऊँगा, मतलब पूरा रेलवे का तैयारी करवाऊँगा। थैंक यू।